दोस्तों वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्टॉक। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेफ्ट्री एग्जॉन इंजेक्शंस के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पे इमेज को देख सकते हैं। और इस इंजेक्शंस का यूज का बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के बीमारियों में इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है, जो कि वन बाई वन करके सभी बीमारियों के बारे में समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर इस इंजेक्शंस का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले आप यहां से जानेंगे कि ये जो सेफ्ट्री एग्जॉन इंजेक्शंस है, इसके अंदर कौन सा कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं, यहां पे ये सेफ्ट्री एग्जॉन ये एक प्रकार का क्या है, ये कंपोजिशन ये यानी साल्ट है, जो कि इससे ही बना होता है। और इसके ब्रांड नेम का बात करें तो जो कि आप स्क्रीन पर इमेज के थ्रू देख सकते हैं, ऑक्टेन 1 ग्राम। ये ऑक्टेन ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, या फिर ये आपके लोकल मार्केट में अलग अलग प्रकार के ब्रांड नेम से आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा, तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सेफ्ट्री एग्जॉन इंजेक्शन है, इसके यूज कौन कौन से बीमारियों में करते हैं। जैसे कि आप यहाँ से वन बाई वन करके समझेंगे, जो फर्स्ट नंबर है गोनोरिया, यानी ये फीमेल के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे पेल्विक इन्फ्लामेशन, यानी फीमेल के अंदर क्या होता है, जो पेल्विक पार्ट होता है वहाँ पे सूजन हो जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए यानी उसके इलाज के लिए इस इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे समझेंगे मेनिनजाइटिस, यानी मेनिनजाइटिस का बात करें तो क्या होता है कि दिमाग के अंदर क्या होता है, सूजन हो जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए या साथ ही साथ इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके इलाज के लिए इस सेफ्ट्री एग्जॉन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट लंग इन्फेक्शन, यानी अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे ये क्या है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीटमेंट करना है, यानी अगर आपके फेफड़ों के अंदर संक्रमण हो जाएगा तो इसके इलाज के लिए इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। ईयर इन्फेक्शन, यानी अगर आपके कान में संक्रमण हो गया हो, स्किन इन्फेक्शन, या फिर आपके स्किन के ऊपर त्वचा के ऊपर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसके इलाज के लिए इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट बोन इन्फेक्शन, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यानी अगर आपके बोन का बात करें तो हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है, साथ ही साथ क्या होता है, पेट के अंदर भी संक्रमण हो जाता है, तो इसके इलाज के लिए इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। जो आप यहाँ पर समझ गएंगे, यानी डिफरेंट टाइप्स की बीमारियों में इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि इस इंजेक्शंस का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, यानी दुष्प्रभाव क्या होता है, अगर आप इस इंजेक्शंस का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आपके बॉडी में क्या क्या दुष्प्रभाव इसके हो सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हर्ट बर्न, यानी क्या होता है, छाती में जलन होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, छाती में जलन होगा। साथ ही साथ ब्लीडिंग का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग भी हो सकता है। और पैनफिल यूरिनेशन, यानी जब आपका यूरिन होगा, यानी जब आप पेशाब करेंगे उस कंडीशन में आपको दर्द महसूस होगा। नेक्स्ट चेस्ट पेन, यानी आपके छाती में दर्द हो सकता है, यानी ये इसके दुष्प्रभाव हैं जब आप इस इंजेक्शन के किसी पेशेंट को लगाते हैं, या फिर इस डिफरेंट टाइप्स के बीमारियों में इस इंजेक्शन का अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट के ये सारे उसके बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट शो हो सकते हैं, जैसे डिजीनेस यानी चक्कर आने जैसा महसूस होगा। तो इस तरीके से आप समझ गएंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि इसके डोज कितनी मात्रा में लेना चाहिए, यानी अगर आप किसी पेशेंट को देते हैं तो कितनी मात्रा में पेशेंट को इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एडल्ट डोज की बात करें तो अगर स्किन या फिर यूरिन इन्फेक्शन हो गया, यानी पेशेंट के स्किन में इन्फेक्शन हो या फिर यूरिन में इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन में अगर नॉर्मल इन्फेक्शन हो तो 1 ग्राम आप आईवी, यानी पर डे आप इस इंजेक्शन को दे सकते हैं, यानी इंट्रावेनस, यानी वेंस में डायरेक्टली 1 ग्राम का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, यानी एवरी डे आप ले सकते हैं। और सीवर इन्फेक्शन हो, यानी ज़्यादा सीरियस कंडीशन का इन्फेक्शन हो, संक्रमण हो, तो उस कंडीशन में आप 2 ग्राम का आईवी इंजेक्शन पर डे लगा सकते हैं, यानी इंट्रावेनस यानी वेंस में डायरेक्टली 2 ग्राम के इंजेक्शन आप पर डे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे फॉर गोनोरिया इन्फेक्शन, यानी ये फीमेल के अंदर होता है, यानी जो गोनोरिया इन्फेक्शन होगा उस कंडीशन में आप 250 mg पर डे IM लगा सकते हैं इस इंजेक्शन को, यानी 250 mg का जो इंजेक्शन होता है पर डे आप, मतलब IM का बात करें इंट्रामस्कुलर, यानी मस्कुलर में आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं पर डे। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेनिनजाइटिस इन्फेक्शन, यानी अगर आपके मेनिनजाइटिस यानी सिर के अंदर क्या होता है, दिमाग के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप 1 ग्राम BD ले सकते हैं, यानी 1 ग्राम का जो इंजेक्शन है दिन में 2 बार लगा सकते हैं, सुबह और शाम एक एक इंजेक्शन। और फिर चिल्ड्रेन की अगर बात करें, एडल्ट का तो आप समझ गए, अब बात करते हैं चिल्ड्रेन के बारे में। तो चिल्ड्रेन का बात करें तो मेनिनजाइटिस इन्फेक्शन जो बच्चों के अंदर, ये मतलब क्या होता है, सूजन हो जाता है दिमाग के अंदर, उस कंडीशन में 75 mg पर kg फॉर 2 डेज, यानी आप यहाँ से समझेंगे इसके बारे में कि ये जो 75 mg का पर kg, यानी जो 1 kg का अगर कोई बच्चा है तो उसको 75 mg का इंजेक्शन लगाना चाहिए।
साथ ही साथ कोई भी बच्चा क्या होता है 5 kg का होता है, तो 5 kg का मतलब आप 75 mg से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये जितना होगा उतना mg का आप क्या कर सकते हैं इंजेक्शन लगा सकते हैं बच्चे को। और ये क्या होता है 2 दिन के, यानी आप 2 दिन पे आप इस इंजेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसके डोज के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके सभी इंजेक्शन के, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस का बात करें तो सेफ्टी प्रिकॉशंस में क्या होता है कि बहुत ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कोई पेशेंट अल्कोहल लेता है या फिर कोई प्रेग्नेंट और लेडीज होती है, तो उस कंडीशन में आपको इस इंजेक्शन को नहीं यूज करना चाहिए। साथ ही साथ आपके लीवर में इन्फेक्शन हो या फिर हार्ट में इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में भी आपको इस इंजेक्शन का अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग समझ गएंगे इन सभी इंजेक्शन के यूज, डोज और साइड इफेक्ट के बारे में। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।